अपना कॉलेज का बैग साथ लिए और हाथों में गुलाब का फूल लिए राधिका लकी के साथ पहाड़ी की ऊंचाई की तरफ जा रही थी। और तभी राधिका के हाथों से फूल गिर गया। हम यहीं बैठ जाते हैं। राधिका आसपास देखती है। वो लकी से हंसकर पूछती है, तो फिर ऐसे ही घास पर बैठ जाएं? लकी अपना बैग जमीन पर रखता है और उसमें से एक बेडशीट निकालता है और उसे बिछाता है। देखिए, पेश है आपके लिए आपका जादुई कारपेट। राधिका बेडशीट पर बैठ जाती है और लकी उसके बगल में बैठ जाता है। राधिका उससे मजाक में पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई जादुई चिराग भी है? लकी उससे पूछता है कि अगर उसके पास जादुई चिराग होता तो वो क्या मांगती। लकी को लगा कि बाकी हर लड़की की तरह वो भी गाड़ी, बंगलो या पैसा ही मांगेगी, पर राधिका का जवाब सुन वो शॉक्ड हो गया। बस एक सच्चा साथी चाहिए जो मेरी हर बात सुन सके, समझ सके। तुम मुझ पर ही ट्राई करके देख लो, तुमने यहाँ पर अपनी जान देने का कदम क्यों उठाया, एक बार समझा कर तो देखो। लकी सच्चे दिल से बात कहता है, पर वापस उस दिन की बात सुन राधिका थोड़ा हिचकिचा जाती है। राधिका लकी को वॉर्न करते हुए कहती है, लकी तुम फिर उस दिन की बात लेकर बैठोगे तो मैं चली जाऊंगी। हाँ, लकी समझता है कि उस दिन के बारे में बात करना राधिका के लिए आसान नहीं होगा, इसलिए वो आगे उस दिन की बात नहीं करता बल्कि उससे पूछता है कि वो क्या खाएगी। राधिका अपने कंधे झटकाती है क्योंकि उसे लगा यहाँ पहाड़ियों में क्या ही मिलेगा। पेश है गर्मा गर्म कचौरियाँ। और ये कहते साथ ही वो अपने बैग से एक गर्म गर्म कचौरियों का बैग निकालता है। राधिका ये सब देख बहुत खुश थी। तभी उसको याद आता है कि वो भी कुछ लाई है और अपने बैग से फ्रूट्स का बैग निकालती है, जिसे देख लकी थोड़ा चिंतित हो जाता है। अरे राधिका, तुमने फिर से इतने पैसे खर्च कर दिए खाने पर। राधिका उसकी चिंता समझती है और मुस्कुराकर उसे समझाती है, ये उतने महंगे नहीं है जितने तुम सोच रहे हो, प्लीज मना मत करो। लकी के लिए आज तक किसी ने इतना नहीं सोचा था। वो तुरंत ही ग्रेप्स उठाता है और उसको खाता है। ये तो सच में बहुत मीठे हैं। लकी एक ग्रेप्स राधिका को खिलाता है। राधिका, तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछनी थी, तुम जब यहाँ से कूदने वाली थी तो तुमने पहले भोग क्यों लगाया था? लकी की बात सुन राधिका चौंक गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी ने ये सब देखा होगा। वो थोड़ा संकोच करती है लेकिन आखिर में वो अपने दिल की बात उसे बताती है। दरअसल उस दिशा में हमारा गांव है और मैं अपनी माँ को सॉरी बोलना चाहती थी, पूरे कॉलेज में मैं मजाक बनकर रह गई हूँ। पर लकी उसे समझाता है, लोग तो कहते रहेंगे पर ये तो मुझे भी जानना है कि तुमने उस दिन कॉलेज कैंटीन में इतना महंगा खाना क्यों ऑर्डर किया था। राधिका गहरी सांस छोड़कर लकी को बताती है, मैं रोज 30 रुपए से ज्यादा का नहीं खाती हूँ और मरने से पहले एक बार मैं अच्छा खाना खाना चाहती थी। राधिका, जब भी तुम बताने के लिए रेडी हो तो मुझे बताना जरूर कि तुम आत्महत्या करने क्यों गई थी। लकी राधिका को फोर्स नहीं करना चाहता था सच जानने के लिए। फिर दोनों के बीच तय हुआ अगले दिन मिलने का। यहाँ लकी अपना फोन हाथ में लिए पूरे रूम के टेंशन के मारे चक्कर काट रहा था और तभी गर्वित बोलता है, भाई ऐसे चक्कर मारने से राधिका नहीं उठाएगी। तभी लकी कहता है, यार गर्वित, मुझे राधिका की बड़ी फिक्र हो रही है, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। गर्वित उसे समझाता है कि हो सकता है राधिका कहीं बिजी हो, पर लकी का मन नहीं मानता है। तब गर्वित उसको एक बार और फोन करने का कहता है और किस्मत से राधिका फोन उठा लेती है। जैसे ही राधिका फोन उठाती है वो उसे फट से एक ही सवाल पूछता है कि वो कब मिलेंगे। फोन पर राधिका की दबी हुई आवाज आती है, लकी इस वक्त मैं कॉलेज की लैब में हूँ, तुम मेरा वेट मत करो। ऐसा बोल वो फोन रख देती है। लकी एक राहत की सांस छोड़ता है और गर्वित को बताता है कि वो सही था, वो बिजी थी और कॉलेज की लैब में थी। इस पर गर्वित चौंक जाता है, क्या, पर भाई कॉलेज की लैब में मरम्मत चल रही है, वो तो 2 दिन के लिए बंद है। गर्वित की बात सुन लकी एकदम से परेशान हो जाता है, तो राधिका ने मुझसे झूठ क्यों बोला और क्यों उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी? राधिका ने लकी से झूठ क्यों बोला? क्या लकी राधिका का सच जान पाएगा? ये तो इसका फुल एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले, जिसका जवाब आपको मिलेगा उसी फुल एपिसोड में। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।